बाप कहते हैं, अच्छा शिव भगवान को नहीं जान, गीता का भगवान कृष्ण को मानते हो, अच्छा समझो कृष्ण भगवान वाच्य ही समझो, वह भी तो श्री कृष्ण भी तो नंबर वन है, मनुष्यों में नंबर वन कहेंगे ना, पहला पहला सत्य का प्रिंस, उनकी बात भी तो माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते हैं, कृष्ण भगवान ने श्री मत से शिक्षा दी है, अच्छा उनकी मत पर तो चलो, उसने भी कहा है ना, क्योंकि गीता में ये आता है ना, काम मनुष्य का महाशत्रु है, तो उसने भी तो कहा है कि काम महाशत्रु है, भला उनको तो जीतो, इन विकारों को जीतेंगे तब ही तो कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब कृष्ण की तो बात नहीं, वास्तव में अब कृष्ण की तो बात नहीं, कृष्ण तो बच्चा था, वो कैसे मत देंगे, जब बड़ा हो करके गद्दी पर बैठेगा तभी तो वो मत देंगे, मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, मुझे निराकारी दुनिया में याद करो, और कृष्ण फिर कहेगा मुझे स्वर्ग में याद करो। वो भी कहते हैं, कृष्ण भी तो कहते हैं, काम महाशत्रु है उस पर जीत पहनो, वहाँ विख सत्युग में विख नहीं मिलेगा, विख को छोड़ पवित्र बनो, ये तो कृष्ण का बैट समझाते हैं। अच्छा समझो, मनुष्यों ने मेरा शिव भगवान वाचा, समझो मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल करके शिव बाबा का नाम बदले करके बच्चे का नाम डाल दिया है, वो भी तो सर्वज्ञ संपन्न है, वो भी कहते हैं ना, गीता में लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, फिर उनको भी मानते तो रही है, कहते रहते हैं पर मानते कहाँ है, उन पर भी चलते तो रही है। समझते हैं, जब कृष्ण खुद आवे हम उसको देखें तब उनकी मत पर चलेंगे, तब तक तो गोता खाते ही रहेंगे। सन्यासी आज तो ये कह नहीं सकते कि मैं तुमको राज योग सिखलाने आया हूँ, ये तो बाप ही आकर के समझाते हैं, और ये है ही इस संगम की बात, कृष्ण है सत्युग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना, क्योंकि वो फिर भी मनुष्य रूप में है, सृष्टि पर पाटदारी है, तो उनको भी तो ऐसा लायक बनाने वाला कोई होगा ना। तो शिव बाबा स्वयं कहते हैं, कृष्ण और उनके सारे घराने को अब संगम पर मैं स्वर्ग में जाने के लायक बना रहा हूँ, बन रहे है, हाँ समझ लो सब कि कृष्णपुरी में जाने के लायक शिव बाबा हमें बना रहे है। देखो बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल करके ऊंच पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जा करके भरी ढोनी पड़ेंगी, बाप से तो अब पूरा पूरा वर्षा लेना है। अब अपने से पूछो, क्या पूछेंगे, हम इतने सपूत बने हैं, सपूत भी तो नंबर वारी होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहेंगे, उनके दिल में रहम आएगा, हम भारत की सेवा करें, सोशल वर्कर्स भी तो नंबर वार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, कहीं तो सोशल वर्कर बहुत लूटते भी हैं, माल बेच करके खा जाते हैं, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे।
सोशल वर्कर्स तो अपने को बहुत कहलाते हैं, क्यों? सोसाइटी की सेवा करते हैं। सच्ची सेवा तो बाप ही आकर के करते हैं और बच्चों को कराना सिखाते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं, तुम बच्चे कहते हो हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं। सारी सृष्टि तो क्या, हम तो पांच तत्वों को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी ये नहीं जानते हैं कि तत्व भी कोई इस समय तमो प्रधान है और उनको भी सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्वों से ही तो तुम्हारा शरीर भी सत्युग में सतो प्रधान बन जाएगा। सन्यासियों को तो कभी भी सतो प्रधान शरीर बनते नहीं, वे तो आते ही हैं रजो प्रधान समय में। बाबा देखो समझाते तो बहुत है, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। ये बातें याद उनको रहेंगी जो औरों को सुनाते रहेंगे, अर्थात जो सेवा करते रहेंगे। तो बहुत है, बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे दान नहीं करेंगे तो याद रखो क्या धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम वाला करते हैं। ये तो तुम बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन तीखे हैं। कहा जाता है जो सर्विस पर है वो ही दिल पर चढ़ते हैं। सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनके ही तख्त नशीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वो ही दूसरों को सुख देते रहेंगे। इसलिए अभी अपना मुंह अपने ही दर्पण में देखो कि मैं बाबा का सपूत बच्चा बना हूँ। खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सर्विस का ये चार्ट है, मैं ये सर्विस कर रहा हूँ। आप खुद जज करो तो बाप को भी मालूम पड़े, फिर बाप को लिखो तो बाप को भी मालूम पड़े। खुद भी जज कर सकता है मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बच्चे भी जानते हैं कौन महारथी, कौन घोड़ेस्वार, कौन प्यादे हैं। कोई भी चिप्पा नहीं रह सकता है। अब बाप को पोता मिल भेजे तो बाबा सावधान भी करे, बिगर पोता मिल भी सावधानी तो मिलती रहती है। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा पूरा ले लो, फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। देखो ये बड़ी माँ भी बैठी है, कौन है, ब्रह्मा बाबा भी बैठा है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं कहते, इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं है। पहले भी बोला ना बाबा, इनकी माँ कौन, इस माँ की माँ कौन, तो इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं है। जैसे उस बाबा को, जैसे शिव बाबा को कोई बाप नहीं, फिर मम्मा फीमेल में नंबर वन है।
ड्रामा में जगदम्बा भी गाई हुई है। जगदम्बा ने सर्विस भी तो बहुत की है, जैसे बाबा जाते हैं मम्मा भी जाती थी, छोटे छोटे गांव में सर्विस जा कर के करती थी, सब में तीखी पहला नंबर गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी भी संभाल रखनी पड़ती है। बाकी सत्युग में तो प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल अपनी गैया गैया बैल आज सब कुछ वहाँ होंगे। अच्छा अच्छा ठहरना, अच्छा बच्चे खुश रहो आबाद रहो। आगे क्या, खुश रहो आबाद रहो, न विसरो न याद रहो। क्यों कर, याद तो शिव बाबा को ही करना है, अपने शरीर को भी तो भूल जाना है, तो औरों के शरीर को कैसे याद करें। अच्छा मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सुन ली बाबा की मीठी मीठी रमणीक मुरली, हाँ लगता है बाबा कितना रमणीकता से प्यार से हम बच्चों को छोटी छोटी बातें भी बड़ा सहज सहज शब्दों में समझाते हैं, परंतु हमें याद रहे सहज समझना ही नहीं है, सिर्फ सहज समझ करके हम उसको हल्का न कर दें। अब फिर से सुनते हैं सारी मुरली का धारणा युक्त सार, अपनी बुद्धि में निकालो सार। कोई को भी नाराज नहीं करना है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देकर बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। दूसरी पॉइंट, सपूत बच्चा बनकर भारत की रूहानी सच्ची सेवा करनी है, रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है, तन मन धन से सेवा करनी है, सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है। दो पॉइंट्स धारणा युक्त समझ में आ गई ना, देखो सारे दिन में कितना बार याद आती है, अथवा इनको या इन बातों को याद करके अपनी चेकिंग भी याद आती है, और वो अपनी रिजल्ट चार्ट में नोट करते जाए। अच्छा आज का वरदान, रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव, रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं और उसको ही रमणीकता समझते हैं, वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति समय संगठन स्थान
वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। यदि इन सब बातों में से अगर एक बात भी ठीक नहीं है, अगर वायुमंडल में उस समय रमणीकता की आवश्यकता नहीं, अगर एक बात भी ठीक नहीं है, तो फिर रमणीकता भी व्यर्थ के लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट मिलेगा ये तो हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है। इसलिए हंसी मजाक अच्छा वही है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फायदा हो। इसलिए सीमा के अंदर बोल हो तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। आज का स्लोगन, सदा स्वस्थ रहना है तो क्या करना है? सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मक शक्ति को बढ़ाना है। सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मक शक्ति को बढ़ाना है, सदा बाप के दुआओं के पात्र बनना है तो क्या करना है? तो बाप की श्रीमत पर चलना है। ओम शांति।